हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ द चैप्टर कर्वेचर। आई टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टू वेज एंड वी हैव डन क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दीज फॉर्मूलास। आई हैव रिटन द फॉर्मूला rho equals to 1 plus y1 square whole power 3 by 2 divided by y2. This formula we call it Cartesian formula for finding rho. There is one more formula. This formula which I am going to write, it is used when the equation of the curve is in parametric form. कल हमने पैरामेट्रिक फॉर्म को लेकर एक क्वेश्चन किया था, पर इन दैट क्वेश्चन आई अप्लाई द कार्टेशियन फॉर्मूला। टुडे आई एम टेलिंग यू द पैरामेट्रिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रो, एंड दिस फॉर्मूला इज एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर होल पावर 3/2 एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स। The question we did yesterday, we can also solve that question by using this formula also. Today I am taking a new question which you are seeing on the blackboard. I am going to read it. The question is about the curve parabola. Parabola y square is 4ax, and we are to prove that radius of curvature at any point P for this curve is 2 by root A into x plus A whole power 3/2, and this is the another form in which we find SP is placed in place of x plus A. I will tell you what is the meaning of SP here, and one more part we have to prove. In this part, rho 1 to the power minus 2 by 3 plus rho 2 to the power minus 2 by 3 equals to 2a to the power minus 2 by 3. This part we have to prove. And what are rho 1 and rho 2 here? It is given in the question. Rho 1, comma rho 2 are the radius of curvatures at the ends of any focal point. तो यहां मैं एक बात आपको स्पेशली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में केवल ए पार्ट प्रूव करवाया जाता है, बी पार्ट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, देन यू कैन यूज एनी ऑफ द टू फॉर्मूला। अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो, पर अगर सेकेंड पार्ट भी प्रूव करवाया जाता है और ओनली सेकेंड पार्ट इज प्रूव, तब आपको यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। क्योंकि अभी आप देखिएगा कि रो वन एंड रो टू जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए रो की वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए, उसी से ये पार्ट टू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि व्हाट वी कॉल फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड में पैराबोला से हमारा क्या मीनिंग होता है, इट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। फोकल कॉर्ड इज दैट कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में आप देखिए, आई एम ड्रॉइंग ए कॉर्ड इन साइड द पैराबोला विच इज मीटिंग द पैराबोला एट टू पॉइंट्स। सपोज इट इज MN, MN इज द फोकल कॉर्ड, इट पास थ्रू S, एंड वॉट इज S? S द फोकस। Then I call this chord as the focal point. तो second part के लिए क्या कहा जा रहा है हमसे कि ये जो focal chord है इसके इन end points पर, ये इसके end points हैं, इन end points पर rho की value rho 1 and rho 2 है। अगर है then we have to prove this line, ठीक है। तो today I am attempting this question with the help of this formula. इससे दोनों फॉर्मूले यूज करना आप लोग सीख जाएंगे। तो आप देखिए हम कैसे इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्मूला।
पैरामेट्रिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रो। तो यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स डॉट? एक्स डॉट इज डीएक्स बाई डी टी और डी थीटा, विच एवर इज द पैरामीटर। तो यहां पर मैं पैरामीटर को टी एज्यूम कर रहा हूं, तो आई एम राइटिंग इज डीएक्स बाई डी टी। सिमिलरली वाई डॉट इज डी वाई बाई डी टी, एक्स डबल डॉट इज डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड वाई डबल डॉट इज डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो क्लियरली इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस फॉर्मूला देन आई मस्ट नो द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट इट इज स्टैंडर्ड। तो आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन बाई राइटिंग दैट वी नो फॉर द पैराबोला द पैरामेट्रिक इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू टू ए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको स्कूल लेवल से आपको आती होगी, तो ये आपको यहां पर मेमोराइज रखनी है। अब व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड दीज फोर डेरिवेटिव एक्स डॉट वाई डॉट एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट। इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड हियर, यू कैन राइट हियर कि डॉट मीन्स व्हाट। ये आपको लिखना पड़ेगा कि डॉट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, इट इज 280, इट इज 2a। अगेन आई एम डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, एक्स डबल डॉट इज 2a एंड वाई डबल डॉट इज 0। कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0। नाउ आई पुट ऑल द फोर वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। यहां ये फॉर्मूला मैं राइट करूंगा, लिखूंगा एंड फिर मैं लिखूंगा पुटिंग द फोर वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव इन दिस फॉर्मूला। तो देखिए आप, इसको मैंने यहां पुट किया 4a स्क्वायर t स्क्वायर y डॉट स्क्वायर इज 4a स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई x डॉट इंटू y डबल डॉट, x डॉट इंटू y डबल डॉट क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि y डबल डॉट 0 है। माइनस y डॉट इंटू x डबल डॉट, इट इज माइनस 4a स्क्वायर। ओके, देन आई सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। तो यहां से मैंने 4a स्क्वायर कॉमन लिया और 4a स्क्वायर को मैंने लिखा 2a होल स्क्वायर एंड व्हेन आई टुक दिस टर्म कॉमन देन दिस टर्म गेट्स होल पावर 3 बाई 2 ऑन इट, क्योंकि जब इसको मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन पावर के साथ बाहर आएगा और अंदर इन साइड ब्रैकेट आई हैव t स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 4a स्क्वायर एंड फर्दर आई सिंप्लीफाई इट। तो यहां पर मैं इस पावर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, 2a टू दी पावर क्यूब, इट मीन्स 8a क्यूब डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, तो इट इज 2a। ओके, एंड इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2। आई हैव नेग्लेक्टेड द नेगेटिव साइन, सो द वैल्यू ऑफ रो कम्स आउट टू बी 2a 1 प्लस टी स्क्वायर टू दी पावर 3 बाई 2। आई वंस अगेन रिमाइंड यू दैट दिस वैल्यू कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर बिकॉज आई हैव यूज द पैरामीटर इक्वेशन। नाउ अब मुझे जो रिक्वायर्ड प्रूव करना है उसके अंदर रो की वैल्यू आप देखिए, क्वेश्चन मैंने क्या लिखी थी, आई हैव टू प्रूव रो इक्वल्स टू 2 बाई रूट ए एक्स प्लस ए पावर 3 बाई 2। तो यहां पर मुझे रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लानी है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लानी है तो हमने क्यों पहले टी में लेके आए। तो इसका जवाब मैंने आपको इनिशियली दे दिया है कि मुझे चूंकि सेकंड पार्ट भी प्रूव करना है, तो फॉर प्रूविंग सेकंड पार्ट जिसमें रो वन रो टू वाली लाइन थी उसके लिए रो की ये वाली वैल्यू काम आएगी। अंटिल वी प्रूव दिस वैल्यू वी विल नॉट बी एबल टू प्रूव द सेकंड पार्ट। तो अगर एग्जाम में केवल फर्स्ट पार्ट आता है जनरली आ सकता है, तो आपको आप कार्टेशियन फॉर्मूला भी लगाने को आपको फ्रीडम है, आप लगा सकते हैं। अब यहां पर मुझे इस रो को इसके इक्वल अगर प्रूव कर रहे हैं तो मुझे वापस टी को एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टी इन टर्म्स ऑफ टी आई फाइंड द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन।
here t square, I can write t square is equal to x upon a. So I put x upon a in place of t square here. अब यहां मैं रीजन दे दूंगा, सिंस x इक्वल्स टू at square. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं फर्दर तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई है. a नीचे से एलसीएम आ जाएगा, बाहर लेंगे तो एट अबाउट 3/2 से कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू इज दिस. ओके, तो ये तो मेरा रो वाला फर्स्ट पार्ट टू हो गया. फिर आपको यहां पर क्या करना है, सिंपली एक थ्योरी का कंसेप्ट यहां लिखना है. कौन सा कंसेप्ट लिखना है कि वी नो, वेदर यू नो और नॉट यू हैव टू राइट हियर बिकॉज इट गिव्स योर मार्क्स. व्हाट यू हैव टू राइट कि इन एनी पैराबोला एसपी मीन्स फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स कॉमा वाई देन इट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट एसपी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए. बस ये आपको याद करके लिखना पड़े, इसको लिखेंगे तो हमारे को इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे. इसको यहां पर प्रूव नहीं करना, इट इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट विच वी आर टेकिंग फ्रॉम द आवर प्रीवियस क्लास. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटली प्रूव. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव सेकेंड पार्ट. तो इन ऑर्डर टू प्रूव सेकेंड पार्ट, आप चाहें तो इसके लिए डायग्राम बना दें, इट विल बी बेटर टू मेक ए डायग्राम. और इन डायग्राम आई एम ड्रॉइंग ए फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड इज पी क्यू, आप लिख देंगे इन द डायग्राम पी क्यू इज द फोकल कॉर्ड. और फिर आप एज्यूम करेंगे लेट टी वन एंड टी टू बी द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल. ये सब मैं आपको जो बोल रहा हूं ये आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. एक बार फिर से मैं रिड्यूस कर रहा हूं, लेट पी क्यू बी द एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एंड टी वन टी टू बी द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एट द एंड पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में आस्क है, ठीक है. सो यू कैन से रो वन, वॉट इज रो वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी. तो बताइए क्या होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी. आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक जनरल फॉर्मूला निकाल रखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पर उस पॉइंट पर जो टी की वैल्यू है वो यहां पुट कर दूंगा. इट इज टू ए वन प्लस टी वन स्क्वायर पावर थ्री बाई टू. सिमिलरली रो टू इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एट क्यू, टू ए वन प्लस टी टू स्क्वायर पावर थ्री बाई टू. अब यहां पर अपन को एक्स वाला अपन लागू नहीं कर सकते क्योंकि उससे वो रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा. तो अब आप देखिए एक और यहां पर हमको बेर बात यूज करनी पड़ेगी और रिजल्ट याद रखना पड़ेगा. वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नो फॉर एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एट द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देन t1 इनटू t2 इक्वल्स टू -5. दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड है जो कि आपको पहले से याद करके जाने, एक तो एसपी की वैल्यूज मैंने आपको बताई और एक दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट जब हम यूज करेंगे तो जाकर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रूव होगा. अब आप देखिए रिक्वायर्ड रिजल्ट में रो वन और रो टू के ऊपर पावर है -2/3. तो -2/3 पावर के लिए मैंने पहले इस रो वन की वैल्यू में दोनों साइड 2/3 पावर रेस कर दी. तो रो वन टू पावर 2/3 इज 2a^3 वन प्लस t1 स्क्वायर. सिमिलरली हियर रो टू टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू 2a^2/3 वन प्लस t2 स्क्वायर. यहां पर क्लियरली 3/2 के ऊपर जब 2/3 पावर रेज होगी तो पावर सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएगी. नाउ अब जो मेरा स्टैंडर्ड वे होता है प्रूव करने का, आई विल स्टार्ट फ्रॉम LHS. आई विल स्टार्ट बाय राइटिंग LHS, देन आई रीच टू द RHS. वट इज LHS? रो वन टू दी पावर -2/3 प्लस रो टू टू दी पावर -2/3 इट इज माई LHS जो कि मैं क्वेश्चन से देख लूंगा. अब मैं यहां पर एक बार की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहां से
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पावर को नेगेटिव करना है। नेगेटिव मतलब इसका नाउ साइड मुझे रेसिप्रोकल लेना है। तो रो 1 टू द पावर माइनस 2 बाई 3 इज नथिंग बट 2a टू द पावर माइनस 2 बाई 3। इसको भी मैंने माइनस साइन कर दिया पावर में रेसिप्रोकल के लिए, लेकिन इसके लिए मैंने इसको लिखा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं इसके लिए करूंगा तो 1 प्लस t2 स्क्वायर रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो मैं 2a टू द पावर माइनस 2/3 को मैं कॉमन ले रहा हूं, एक लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं यहां पर। नाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। तो हाउ आई विल सिंप्लीफाई इट, जस्ट बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये मैंने आपके सामने इसका एलसीएम दिया है, तो एलसीएम लेकर ऊपर जब हम इसको ऐड करेंगे तो आई विल गेट 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। अब एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो इट इज 1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर। ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पर आकर वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा जिस पर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। कंसेप्ट इज रिटन हियर और इसको आपको बकायदा यहां पर रीजन देना पड़ेगा ब्रैकेट में साइड में लिखकर कि सिंस t1 एंड t2 आर द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर एट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, सो t1 इंटू t2 इक्वल्स टू -1। तो यहां पर t1 t2 की जगह जब मैं -1 पुट करूंगा तो स्क्वायर ओवर इट बिकम्स 2, सॉरी स्क्वायर ओवर इट बिकम्स 1, देन 1 + 1 बिकम्स 2, सो हेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स आइडेंटिकल, सो दे आर कैंसिल्ड। एंड व्हेन दे आर कैंसिल्ड व्हाट वी आर रिमेनिंग विद इज 2a टू द पावर माइनस 2/3 एंड इट इज आवर RHS। इन दिस वे LHS इज प्रूव्ड टू इक्वल टू बी RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल करना था। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, मुश्किल से 4 या 5 लाइन का है। इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये मेरा कर्व है, इट इज अ गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहां पर नई बात क्या है जिसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने यह है कि इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज नाइदर कार्टेशियन नॉर इंट्रिंसिक। कार्टेशियन इक्वेशन में तो कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई मौजूद होता है, और इंट्रिंसिक इक्वेशन में कर्व में एस और शाई मौजूद होता है। तो इट इज अ मिक्स इक्वेशन, एक वेरिएबल तो इसमें एक्स है, एक वेरिएबल इसमें एस। तो दिस इक्वेशन आइदर इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू कार्टेशियन और इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू इंट्रिंसिक, देन ओनली वी कैन फाइंड द रो। और मुझे यहां पर रो जो फाइंड करनी है वो मुझे लिखा है, मुझे एक एक्चुअली ये लाइन प्रूव करनी है, ए इंटू रो इक्वल्स टू एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टू प्रूव दैट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के लिए आपको जो बात मैंने आपको बताई वो याद करके एग्जाम में जानी है कि मुझे इन दोनों में से कोई एक टास्क पहले पूरा करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आई स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये मेन लाइन है, ये अगर आप भूल गए तो हो सकता है प्रॉब्लम करने में, आपको प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन को करने में। इस कार्य को यहां करने से ये इक्वेशन कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए आप कैसे, दोनों से हमने एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस इज 1 ds / ds। हियर a इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x / a। तो हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज द टर्म इटसेल्फ, बट सिंस डिफरेंशिएशन इज हेयर नॉट डन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट इट इज डन विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहां पर मुझे इसका डिफरेंशिएशन वापस करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा इंटू डी बाई डी एस ऑफ एक्स बाई ए, क्योंकि मेरा ओरिजिनल डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू एस। अब आप देखिए इससे मुझे क्या मिलता है, ए इंटू ई टू द पावर एक्स बाई ए इंटू 1/a कॉन्स्टेंट है तो मैंने उसको डेरिवेटिव के बाहर ले लिया है, एंड dx/ds। अब देखिए यहां पर आकर
इस क्वेश्चन में प्रीवियस चैप्टर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो फॉर्मूला यूज होगा। तो एक्चुअली ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें किसी और चैप्टर का फॉर्मूला लिंक्ड होता है, क्योंकि अगर कोई वाला चैप्टर करता हूं पिछले चैप्टर के फॉर्मूला याद नहीं करता हूं तो उसको फिर यहां पर प्रॉब्लम नहीं। तो आप याद कीजिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dy dx ds इट इज शाई व्हेन फॉर्मूला इज dx by ds इज cosec। ये ट्राइंगल आपको इस फॉर्मूले को जल्दी से लिख पाने में हेल्प करेगा। तो dx by ds इक्वल्स टू cosec, तो हियर आई एम पुटिंग dx by ds इक्वल्स टू cosec। ओके, ये इसका रीजन दे दिया आपने। अब यहां पर आकर आपने क्या किया, इस e की जगह यहां से वैल्यू पुट कर, यानी मेन टारगेट दिमाग में रखना है। यहां पर फिर वेरिएबल x और शाही आ रहे हैं, जो भी मैं नहीं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं आइदर एस शाही और एक्स का, तो इसके लिए मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया एस अपॉन ए। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट एस इक्वल्स टू ए सेक्शन। तो यहां पर आकर आप ये कह पाने में कंप्लीटली सफल हो गए हैं कि वी हैव ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन विच वॉज अ मिक्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। अब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट अगर की इक्वेशन हमारे पास आ गई है तो द फॉर्मूला ऑफ रो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट इज वेरी सिंपल, रो इक्वल्स टू डी एस बाई डी शाई। तो इसका मैंने दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, तो इट इज ए सेक शाई टेन शाई। और रिजल्ट मुझे जो यहां पर ऑप्टेन करना है इसको देखूंगा मैं, इस रिजल्ट में रो के अलावा एस मौजूद है तो मुझे नेचुरली अब वापस शाही को यहां से हटाना है और एस लेके आना है। तो आई विल यूज दिस रिलेशन, तो फ्रॉम दिस रिलेशन सेक शाही इज एस अपॉन ए एंड फॉर टेन शाही आई विल राइट सेक स्क्वायर शाही माइनस वन। टेन शाही की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्री का मेरा बेसिक फॉर्मूला यूज करता हूं, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो क्लियरली आपके पास आ रहा है, आप अपने आप कर लीजिएगा, इट इज वेरी सिंपल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अनदर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।